नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज मैं करदम रावल आपका दोस्त लेके आया हूँ आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 12 दिसंबर 2018, हफ्ते का तीसरा दिन यानी कि वेनसडे, और हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो यहाँ पर हमने एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करते हुए प्रीलिम्स प्लस मेंस का एक 300 आर के टाइम फ्रेम के अंदर 350 लेक्चर वाला कोर्स डिजाइन किया है, जहां पर आपको मिलती है इन डिटेल्ड पीडीएफ और पूरे कोर्स को एनालाइज करने के लिए आपको मिलती है 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। हर महीने आपके आसपास जो घटनाएं घटती है उसको कवर अप किया जाता है मंथली करंट अफेयर मटेरियल के रूप में, जो आपको मिलेगी पीडीएफ के रूप में आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर। इस कोर्स की जो यूएसपी है वो है इस कोर्स की यूटिलिटी टाइम फ्रेम। तो इस कोर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो 2019 के मेंस एग्जामिनेशन तक। यहाँ पर कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, रिवीजन के ऊपर यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम रिवीजन पॉसिबल है, कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। ऑन दिस ग्राउंड वी कैन से दैट आपके आसपास हो रहे ऑफलाइन क्लासेस के मुकाबले ये एक बढ़िया चॉइस है, और घर बैठे जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, ये 9 सब्जेक्ट जो है एनसीईआरटी प्रीलिम्स और मेन्स सारी चीजें कवर अप करते हैं। इस कोर्स के ज्यादा जानकारी के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मोबाइल नंबर है वहां पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हमारी वेबसाइट www.upscisexam.com पर जा सकते हैं। लेट्स सी द रोड मैप फॉर दिस वीडियो लेक्चर, जहां पर है वी विल स्टार्ट विद अ मोटिवेशनल कोटो, देन वी विल सी द वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, 10 अंग्रेजी के शब्द हिंदी और अंग्रेजी मतलब के साथ में, जिसको जो आप अपने एसे राइटिंग और आंसर राइटिंग के अंदर अपने आंसर को स्किलफुल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। देन वी हैव फन फैक्ट आज का ज्ञान, यहाँ पर 2 ऐसे टॉपिक्स जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऐसे खटे हो करंट अफेयर के अंदर जो पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर इन द हेड ऑफ करंट अफेयर्स। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे नेवर वेस्ट अ गुड क्राइसिस। तो यहां पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रिगार्डिंग एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव एडिटोरियल, जिसके बारे में बहुत सारी डिस्कशन हमने पिछले टाइम फ्रेम्स में कर ली है, लेकिन यहां पर जो है एक तरीके से निचोड़ निकाल के बताया गया है। और ये जो एक तरीके से एक अमेरिकन क्वोटो है नेवर वेस्ट अ गुड क्राइसिस, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे फन फैक्ट के अंदर। यहां पर जो है एक्सपर्ट कोजन अगेंस्ट द गिविंग फ्रीवीज विदाउट द फोकस, तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर जो है सी रंगराजन यहाँ पर जो है कुछ आंखें खोलने वाले यहाँ पर एनालिसिस लेके आए हैं कि भाई सरकार जो है एक तरफ ये कह रही है कि भाई जो 14 फाइनेंशियल कमीशन ने जो डिसाइड किया है पार्टीशन ऑफ इनकम बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, वहां पर कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो दूसरी ओर जो फ्री बीज चलाए जा रहे हैं भाई लोगों तक जो है फ्री के अंदर चीजें दी जा रही है, बांटी जा रही है, कुछ चीजें ऐसी है जो वेलफेयर के लिए दी जा रही है वो सही है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी जैसे कि फ्री में टीवी बांटना, तो ये जो है कई एंगल से सही नहीं लगता है। तो इसके ऊपर जो है पूरे डिटेल से एनालिसिस करेंगे। देन वी विल सी क्वेश्चन आंसर सेशन एट द एंड ऑफ द वीडियो लेक्चर, जहां पर पिछले डिटेल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर, एक नया सा क्वेश्चन है जिन्होंने कमेंट सेक्शन में सही जवाब दिया है उनके नाम, आपका भी नाम यहाँ पर प्रकाशित हो सकता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर जो है नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट, तो भाई जीवन के अंदर उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, लेकिन जो क्राइसिस के टाइम पीरियड होते हैं कुछ क्राइसिस ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ बदलाव के लिए आए हुए क्राइसिस जो है वो अच्छी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका जो है पॉजिटिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो इसी चीज को जो है हम आज के एडिटोरियल के साथ कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है हर रोज हम इस चैनल के माध्यम से आपसे एक अपील करते हैं कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लेट्स सी द वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, यहाँ पर सुपर एक्सट्रीम और आउटस्टैंडिंग के लिए आप यूबर वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योर के लिए आप नॉस्ट्रम वर्ड यूज कर सकते हैं, लवेबल स्पेशली इन अ चाइल्ड लाइक और नाइसी वे, उसके लिए आप अडोरेबल वर्ड यूज कर सकते हैं, हाईली ऑफेंसिव अराउजिंग अवर्जन और डिसगस्ट के लिए आप फाउल वर्ड यूज कर सकते हैं, डीके या किसी चीज का बिगड़ जाना सड़ जाना के लिए आप पुट्रिफेक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं, डिस्क्राइब आउटलाइन के लिए आप डेलिनिएट वर्ड यूज कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंट विथ रीजन लॉजिक और कॉमन सेंस के लिए आप अब्सर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीमली एंगर के लिए आप आयरेट वर्ड यूज कर सकते हैं, विनिंग फेवर और
कॉन्फिडेंस के लिए आप डिसआर्मिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, बिंच के लिए आप रैम्पेज वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अपने ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग को इन वर्ड्स की प्रैक्टिस के साथ जो है आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट्स सी कि महाराष्ट्र के अंदर क्या करंट अफेयर निकल के आया है। यहाँ पर जो है रूरल महाराष्ट्र को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जो है इन्होंने एक यूनिक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसको इन्होंने नाम दिया स्मार्ट, जिसका फुल फॉर्म बनता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब यह जो है वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जहां पर एग्रीकल्चर वैल्यू चेन विद स्पेशल फोकस ऑन मार्जिनल फार्मर अक्रॉस 1000 विलेजेस द इनिशिएटिव विल सपोर्ट पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन एंड ब्रिंग एफिशिएंसी टू बेनिफिट इकोनॉमी एट अ लार्जर स्टेट। तो यहाँ पर जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वैल्यू चेन के अंदर इनको जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। वेर एज यहाँ पर जो वेरियस स्टेक होल्डर्स है एग्री बिजनेस सेगमेंट के, तो उनको भी यहाँ पर स्टार्टअप और SMEs और लार्ज कॉरपोरेट वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा भी मदद मिलने वाली है। अब यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक ने टोटली 300 मिलियन जो अब तक पैसे है वो इन्वेस्ट करने की बात की थी, जिनमें से 210 मिलियन ऑलमोस्ट यहाँ पर यूटिलाइज होने शुरू हो चुके हैं। 50 से अधिक यहाँ पर MOU साइन हुए हैं। इवन यहाँ पर बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के भी नाम है, टाटा ने भी यहाँ पर जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बताया है और Amazon ने भी जो है यहाँ पर अपना हाथ दिखाया कि दे आर ऑल्सो इन द फील्ड, कि यहाँ पर अगर कुछ अच्छा होता है तो हम आपके साथ में है। ग्लोबल कार्बन रिपोर्ट जो है रिसेंटली यहाँ पर अनाउंस हुआ है जहाँ पर बताया जाता है कि CO2 के इमिशन के अंदर इंडिया जो है वो फोर्थ हाईएस्ट इमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरमेंट के अंदर, अकाउंटिंग फॉर 7% ऑफ ग्लोबल इमिशन इन 2017। हमने जो है 2017 में बहुत सारा कार्बन जो है एनवायरमेंट के अंदर रिले किया है। यहाँ पर अगर अवेबिलिटी की बात करें तो हमें परमिशन मिलती है सिर्फ 2% की, तो बाकी जो हमने 5% एक्स्ट्रा यहाँ पर कार्बन जो है मार्केट एनवायरमेंट के अंदर छोड़ा है उसके रिगार्डिंग हमें कार्बन क्रेडिट परचेज करनी पड़ती थी। इंडिया का जो इमिशन है वो कंटिन्यूसली अब बढ़ता ही चला जा रहा है। कोल का जो हमारा यहाँ पर इस्तेमाल है इंडिया और चाइना के अंदर वो बहुत ही ज्यादा है, 7.1%, ऑयल का 2.9% और गैस का 6%। तो वर्ल्ड के टॉप 10 कार्बन डाइऑक्साइड इमिटर्स की बात करें तो नंबर 1 है चाइना, US, यूरोपियन यूनियन, 4th है इंडिया, इंडिया के बाद है रशिया, फिर है जापान, जर्मनी, ईरान, सऊदी अरेबिया और साउथ कोरिया। तो ये जो बड़े बड़े नाम है उनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर फोकस किया जाता है तो वो है चाइना और इंडिया नंबर 1 एंड नंबर 4, क्योंकि 2 और 3 तो है यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर जो है हमें इसको अगर कम करना है तो US और यूरोपियन यूनियन ने जैसे डिकार्बनाइजेशन के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है, उसी तरीके से हमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ सोलर अलायंस के ऊपर फोकस करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोल और क्लीन स्मॉग चॉक्ड सिटीज के ऊपर हमें अपनी जो है मेहनत बढ़ानी होगी। 2018 के यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट समिट जो हुई थी COP24 कैटोविस के अंदर पोलैंड में, तो यहाँ पर भी जो है हमारे नाम को उछाला गया था कि इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मार्केट के अंदर इमिट करता है। तो कंसेक्यूटिव ईयर्स की अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल के अंदर हमने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है, तो हम अब जो है 2018 के अंदर अभी तक के जो डेटा है नवंबर 2018 तक के, यहाँ पर हम 7% से 6.3% आया है। तो ये अपने आप में 10% की जो है गिरावट है एग्जिस्टिंग कार्बन एमिशन के अंदर, तो ये भी जो अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अब जो है हमें ऑयल और गैस के ऊपर फोकस करना है, उसके भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो सोलर एनर्जी के ऊपर अपना एम्फोसिस बढ़ाना शुरू कर दें। अब यहाँ पर जो है उर्जित पटेल जिन्होंने यहाँ पर 24th गवर्नर के रूप में रेजिग्नेशन दे दी और जो है यहाँ पर कई पॉइंट्स जो है वो रिवाइव करके बताए गए हैं कि भाई यहाँ पर जो मेन थिंकेबल पॉइंट बनता है एमिकेबल पॉइंट वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी रिसेंटली इसकी मीटिंग अटेंड करने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने मंडे को क्यों अचानक से ही अपनी जो है रेजिग्नेशन दे दी। अब यहाँ पर क्वेश्चंस ये उठते हैं कि पर्सनल रीजन होते हैं तो उसको बताने की जरूरत नहीं होती, वो बैक साइड द कर्टेन्स भी उसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की अगर हम देखें बात, तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट बनता है कि
नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो इश्यू था वो बहुत ही बड़ा था। इवन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने यहाँ पे अपनी बुक्स का भी जिक्र किया है। बुक्स के अंदर भी जो है पॉइंट्स जो है वो जताया है कि आने वाले समय के अंदर क्या क्या परिस्थितियां जो है वो सरकार के सामने और इकोनॉमी के सामने जो है आपत्ति खड़ी कर सकती है। इसके अलावा दूसरे जो पॉइंट है वो है पीएसी के, जहां पर जो है गवर्नमेंट चाहती है कि जिस जिस बैंकों को यहाँ पर ग्रे लिस्ट में रखा गया है उनको फिर से निकाल के और नॉर्मल बैंक की कैटेगरी में रख दिया जाए, एनपीए के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कोई और यहाँ पर स्टेप लिए जा सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही मायनों में नहीं हो रहा था। उसके बाद थर्ड पॉइंट था सेक्शन 7, जो आरबीआई की ऑटोनोमस कैरेक्टरिस्टिक है उसको कहीं ना कहीं हर्ट करता था। तो इसी के रिगार्ड्स में अक्टूबर 23 को यहाँ पर जो है मेनली डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य ने जो है एक एक्सक्लूसिव स्पीच दी, और इसके अंदर बहुत सारी जो है वो निंदा की भाई सरकार जो है ये 3.6 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व फंड में से जो मांग रही है ये कहीं पर भी जायज नहीं है। और इसके अलावा भी यहाँ पर कई ऐसे पॉइंट्स थे जो सरकार जो है कुछ और चाहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग एन ऑटोनोमस बॉडी कुछ और चाहती है। तो इन सभी चीजों को यहाँ पर एक सही ढंग से जो है वो कॉप अप नहीं कर पाए। इसी चीज के एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रेशर और यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन को ध्यान में रखते हुए उर्जित पटेल ने यहाँ पर जो है इस्तीफा दिया। अब जो है जो टाइटल दिया गया है इस आर्टिकल को उसके ऊपर आता है, यहाँ पर कहा गया नेवर वेस्ट गुड क्राइसिस। तो यह क्राइसिस का ही टाइम है, जब जो है पंजाब नेशनल बैंक का भी फियास्को हुआ, आईएलएंड फेस्ट का भी फियास्को हुआ, इतने बड़े एनपीए सामने आए हैं। तो ये जो पूरी करेंसी सिस्टम इंडिया के अंदर जो अभी एंडेंजर्ड सेगमेंट के अंदर चल रही है, तो ये क्राइसिस की सिचुएशन है, उसके ऊपर सेक्शन 7 का प्रभाव और उर्जित पटेल का इस्तीफा, इन सभी चीजों को अगर सही मायनों में पॉजिटिव ढंग से देखा जाए और सरकार इसको जो है वो अपने रवैये को चेंज करने के एस्पेक्ट से देखे, तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स टाइटल यहाँ पर जो है कई सारे मेरिट्स आ सकते हैं। तो अब जो सारी उम्मीदें आती है शक्तिकांत दास के ऊपर, जिन्होंने जो है कल ही अपनी जो है कमान संभाली है फॉर द 3 इयर्स एज एन 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो है पॉलिटिकली एक्सक्लूसिव सेंटर ऑब्वियसली फील जो चल रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी यहाँ पर जो है अपने कैपिटल स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ फेस कर रही है नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज। तो यहाँ पर जो है एक बैड लोन का जो एनवायरनमेंट है और ये जो पूरा मसला चल रहा है इसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, और इसी ट्रीटमेंट के बीच में गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से हस्तक्षेप करती है, क्योंकि अब जो है टाइम फ्रेम यहाँ से देखा जाएगा टिल द नेक्स्ट बजट, और यहाँ पर जो है द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल 2019 को शुरू होगा, ये वो टाइम पीरियड होगा जिस टाइम पीरियड के अंदर आप जो है ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते इम्प्रूवमेंट की। लेकिन वी कैन एम्फोसाइज ऑन द पॉइंट कि अब जो है आने वाले दिनों की परिस्थितियों ये लोग जो है वो किस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं और किस तरीके से सोच रहे हैं, तो ग्रीवांसेस जो है इसको जेन्युइनली कैसे ये लोग शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग का यहाँ पर मतलब है द न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पर मेन रोल प्ले किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन के द्वारा। तो ये पॉइंट्स जो है वो आने वाले वक्त को डिसाइड करेगा कि हाउ वुड बी द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2019 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड टिल 2020 31 मार्च। तो यहां पर देखते हैं कि जो नेक्स्ट एडिटोरियल है यहां पर है हमारे पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर सी रंग राजन जी, यहाँ पर इन्होंने जो है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में तमिलनाडु को स्पेसिफिकली ध्यान में रखे हुए कहा है। लेकिन इस एडिटोरियल को हमने एक नेशनल लेवल के डिस्क्रिप्शन और डिस्कशन के लेवल के ऊपर लेके आया है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमिलनाडु जो है ये अपने आप में जो है उन स्टेट्स के अंदर है जो खुश नहीं है 14th फाइनेंशियल कमीशन के अंदर जो परसेंटेज चेंज हुआ है और जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के जो
पार्टीशन हो रहे हैं 32% से बढ़ा के 42% के ऊपर लाया गया है। तो वेर एज इवन यहाँ पर तमिलनाडु जो है वो काफी अनसर्टेनिटी से भी घिरा हुआ रहा है 2019 के अंदर, यहाँ पर जो है तमिलनाडु के अंदर गाजा भी हमने देखा। तो यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी डिस्कशन जो है वो बुक के माध्यम से बताई है कि ड्रविडियन ईयर्स द पॉलिटिक्स एंड वेलफेयर इन तमिलनाडु ऑथर्ड बाय रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एस नारायण द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि एमआईडीएस मिस्टर रंगराजन कूजन अगेन डिस्ट्रीब्यूटिंग फीबीज विदाउट फोकस एंड टारगेटेड अप्रोच। तो यहाँ पर जो मेन चीज है उन्होंने फोकस किया है कि जिन जिन चीजों को यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोकल पब्लिक को दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीबीज, तो उसको पहले ध्यान में रखिए और क्या चीजें दी जा रही है और किनको दी जा रही है। द टारगेटेड पीपल हु आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड शुड बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन। यहाँ पर जो है कुछ एग्जांपल्स दिए गए, एक एग्जांपल वो है जिसके अंदर नीडी गर्ल्स को जो है बाइसिकल्स प्रोवाइड कराए गए हैं, तो दिस इज अ गुड मूव। वेयर एज यहाँ पर जो है कुछ लोगों को टीवी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, रूरल वुमेन को यहाँ पर टीवी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो दिस इज एन एक्सट्रीमली नॉट एक्सेप्टेबल पॉइंट। यहाँ पर जो है इवन कुछ अलग अलग नाम्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एम करुणा निधि जो है और इसके अलावा एम जी रामचंद्रन और जयललिता जी, इन्होंने जो है अलग अलग स्टेट्स के अंदर अगर देखें तो फ्री बीस के अंदर जो है वो खाना प्रोवाइड कराया है लोगों को, तो ये भी जो है कुछ हद तक एक्सेप्टेबल पॉइंट है। वेरस यहाँ पर कुछ स्टेट और भी ऐसे हैं जिनके यहाँ पर नाम नहीं दिए गए लेकिन वो फ्री बीस के नाम पर जो सर्विसेज मुहैया करा रहे हैं लोगों को और जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इसके कोई किसी भी एंगल से जो है वो इसका जो है यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। वेरस जो है वेलफेयर के नाम पर दिए जाने वाली जो चीजें होती है वो रिलेटिवली लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। प्रोफेसर एम विजय भास्कर जो है एमआईडीएस के, इन्होंने कुछ चीजें पॉइंट आउट की है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलोड द तमिलनाडु गवर्नमेंट इन इंप्लीमेंटिंग द नॉन मील स्कीम। अब ये भी जो है उसके अंदर कहा जाता है कि विथ फ्री राइस ओवर द ईयर द पुअर बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन द लैंडलॉर्ड एंड दस सच फ्रीबीज एंश्योर्ड सोशल जस्टिस। अब ये जो फ्रीबीज वाले पॉइंट से उसके अंदर जो पिछले कई सालों से जो चीजें चल रही है उसके भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो एमआईडीएस के डायरेक्टर शशांक भिंडे भी इस ऑकेशन के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट थे और यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ए कलाइया शरण, तो इन्होंने भी जो है अपनी कैपेसिटी के अंदर तमिलनाडु के लोगों को यहाँ पर एड्रेस किया और यहाँ पर कहा कि कई सारे फ्रीबीज जो स्टेट लेवल के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हो उसके ऊपर नए तरीके से एम्फोसिस करने की जरूरत है। इस एडिटोरियल के अंदर इतना ही। पिछले एडिटोरियल में हमने आपसे पूछा था कि सीनियर सिटीजन के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस गवर्नमेंट ने शुरू की है, सही जवाब है दिल्ली। मंजय कुमार जो हमारे रेगुलर कमेंटर है इन्होंने सही जवाब दिया है, हरिंदर कौर ने सही जवाब दिया और प्रीति कुमारी जी ने यहाँ पर सही जवाब दिया है। आज का जो प्रश्न है व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड सोइल डे WSD, अगर आपको पता है तो डेट भी जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है विच इज द करेक्ट आंसर, अगर आपका जवाब सही रहा तो हम आपका नाम यहाँ पर जरूर से इंक्लूड करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें अपने नियर डियर फ्रेंड्स के साथ और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे जो है नोटिफिकेशन स्क्वाड के अंदर इंक्लूड हो जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और यहाँ पर जो आप स्वदेशी जरूर से अपनाए, ये हमारी लीगल अपील रहती है।